भारतीय वायुसेना तेजी से अपनी शक्ति बढ़ा रही है। पीएम मोदी की कूटनीति के चलते चीन पाकिस्तान की सीमा पर 5000 लड़ाकू विमान गरज रहे हैं। चीन और पाकिस्तान की हवा निकालने वाला अब तक का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास भारतीय वायुसेना कर रही है। अभी मिल रही ताज़ा खबर के मुताबिक पाकिस्तान सीमा के पास राजस्थान के जैसलमेर जिले के पोखरण फायरिंग रेंज में भारतीय वायुसेना अब तक के सबसे बड़े युद्ध अभ्यास गगन शक्ति 2018 में लड़ाकू विमानों के अचूक निशाने और धमाके की सैन्य ताकत दिखा के दुश्मनों को भारत एहसास करवा रहा है। एक सप्ताह से जारी युद्ध अभ्यास 22 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान जवानों ने दुश्मन की धरती पर जाकर तबाही मचाने का अभ्यास करेंगे। पिछले हफ्ते केवल 3 दिनों के अंदर ही भारत के 5000 लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी और खतरनाक हमले से अपने लक्ष्य को तबाह भी किया। इन लड़ाकू विमान और बम धमाकों की गरज पाकिस्तान के अंदर तक सुनाई दे रही है। भारतीय वायुसेना अब फाइटर जेट को अरुणाचल प्रदेश की चीन और लद्दाख से लगी पूर्वी सीमाओं पर शिफ्ट करने जा रही है ताकि इससे वहां की ताकत बढ़ाई जा सके। सैन्य प्रवक्ता ने बताया कि दिन रात चल रहे युद्ध अभ्यास में खतरनाक दस्ते और हवा में दुश्मन के इलाकों में उतरने व एयर टू एयर काउंटर अटैक में महारत हासिल करने पर जोर दिया जा रहा है। 2 दिन से दुश्मन की धरती पर जाकर कब्जा करने की रणनीति के तहत वायु सैनिक युद्ध अभ्यास में जुटे हैं। इस भारतीय वायुसेना के सबसे बड़े युद्ध अभ्यास में Sukhoi-30 MKI, MiG-21, MiG-29, MiG-27, जैगुआर, मिराज, C-17, ग्लोब मास्टर, C-30J, MI-35, MI-17V5, MI-17, ALS ध्रुव सहित 1100 विमान भी इस युद्ध अभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, साल 1986-1987 के ऑपरेशन ब्रास्टैक और साल 2001-2002 में ऑपरेशन पराक्रम के बाद हुआ अब तक का यह सबसे बड़ा अभ्यास है। गगन शक्ति अभियान के तहत वायुसेना ने 15,000 अधिकारियों को युद्ध की ट्रेनिंग दी है। 1100 एयरक्राफ्ट ने हवा में करतब दिखाए। इस अभियान में 550 एयरक्राफ्ट ने हिस्सा लिया। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल BS धनोआ ने कहा, इस अभ्यास के जरिए हमारा लक्ष्य परिचालन क्षमता और असल युद्ध जैसी स्थिति से निपटने को लेकर खुद को तैयार करने का है। इसके साथ ही उच्च गति ऑपरेशन को बनाए रखने की हमारी क्षमता की जांच करना है। इसका किसी भी देश के लिए उद्देश्य नहीं है। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। आगे ऐसी खास खबर देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।